जय बालाजी, जय बालाजी मंदिर जाने के लिए भगवान विष्णु खुद वहाँ पे विराजमान है, ऐसा लोगों का कहना और मानना है। और ये बहुत ही पॉपुलर मंदिर है दोस्तों। अगर आपको यहाँ पे जाना है तो देखिए, आपको यहाँ पे जो स्टार्टिंग में ही आपको वहाँ पे भगवान विष्णु के निवास स्थान के दर्शन स्टार्टिंग में हो जाएंगे, और आपको रास्ते भर में ऐसे लोग पैदल चलते हुए नज़र आएंगे। और आप ये देख लीजिए, कहीं पे कोई कूड़ा कचरा कुछ भी कोई भी चीज़ें यहाँ पे आपको नहीं नज़र आएगा। लोगों गोविंदा गोविंदा बोलते हुए इस पर्वत की शृंखला पे चढ़ते हैं। कहा जाता है भगवान विष्णु यहाँ पे विराजमान हैं, और यहाँ पे लोगों आने वालों की मन्नतें पूरी होती है। तो आप इस वीडियो में देखें कि बहुत सारे लोग यहाँ पे चलते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ से बस है डायरेक्टली, आप यहाँ से पर्वत की तरफ चढ़ सकते हैं। एकदम नीट एंड क्लीन वातावरण, और यहाँ से सुंदर जंगल जो है वो पूरा पूरा दिखाई देता है। तो देख लिए दोस्तों कि अगर आपको वहाँ पे जाना है तो आपको तिरुपति चले जाइए, और तिरुपति से वहाँ से बस द्वारा आपको वेंकटेश्वर स्वामी महाराज बालाजी महाराज के दर्शन के लिए आपको वहाँ से बस की सेवा मिलेगी। और बस आपको जिस रास्ते से लेके जाएगी, आपको इतने सुंदर दृश्य वहाँ पे नज़र आएंगे। पूरा तिरुपति जो सिटी है वो पूरा वहाँ पे नज़र आएंगे। और ऐसे बसेस आपको वहाँ पे लगे हुए होते हैं जो मात्र 150 या 200 के अंदर आपको वहाँ पे ऊपर लेके चले जाएंगे। तो आप यहाँ पे जाइए दोस्तों, और बहुत ही अच्छा वातावरण वहाँ पे आपको, अगर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, कितने के दुख दूर हो गए हैं। तो आप यहाँ पे इस मंदिर में अगर आपको जाना है तो देख लीजिए कितने सुंदर है, सेफ्टी है और बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इस यात्रा के बारे में बताते चलूँगा, और भगवान विष्णु वेंकटेश्वर स्वामी के जो मंदिर है उसके भी मैं आपको यहाँ पे दर्शन कराऊँगा। देखिए, यहाँ से सिटी आपको एकदम नीट एंड क्लीन यहाँ पे दिखाई देता है, और इस बीच में जो आपको बाउंड्री वॉल दिख रहा है, इसके नीचे बहुत घना सा जंगल है। इतने घने जंगल हैं कि आप 100 मीटर के ऊपर भी आपको कोई भी चीज़ यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। और ये यहाँ पे भगवान विष्णु के निवास स्थान के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आप जाओगे आपको द्वार पे ऊपर चढ़ने पे इस तरीके से गेट नज़र आएगा, और वहाँ पे आपको हॉल नंबर 1 और ये सब इंक्वायरी काउंटर है। वहाँ पे जाके आप वहाँ पे इंक्वायरी कर लीजिए। अगर आपका स्थान वहाँ पे बुकिंग करनी है तो आप बुक वहाँ पे कर लीजिए, और उसके बाद में मंदिर की तरफ आप चले जाइए। मंदिर में देखिए, आपको इतने सुंदर दृश्य वहाँ पर नज़र आएंगे। देखिए, ये मंदिर के वहाँ के कुछ दृश्य हैं जो मैं आपको वहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए, इस तरीके से भगवान बालाजी महाराज के वहाँ पे ये सारे दृश्य आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। और वहाँ पे जाने पे सचमुच अनुभव होता है कि हम कहीं स्वर्ग के जैसे कोई जगह पे हम आ गए हैं। और वहाँ पे इतना शांत वातावरण है कि दोस्तों, कि आप वहाँ पे जाने पर आपका मन प्रसन्न हो जाता है और आपके दुख दूर हो जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे बालाजी महाराज के जो मंदिर है, आप देखेंगे मंदिर में लाखों करोड़ों यात्री वहाँ पे आते हैं और दर्शन करते हैं, लाखों लाखों की संख्या में। देखिए, ये मंदिर का आपको दृश्य मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो सफ़ेद कलर का दिख रहा है, वही उसके पीछे वहाँ पे तिरुपति बालाजी महाराज वहाँ पे विराजमान होते हैं। ये यहाँ पे देख लीजिए, ये सारे श्रद्धालु यहाँ पे ये ऊपर चढ़ने पे जो पर्वत है, पर्वत के ऊपर का दृश्य है। यहाँ पे आपको मंदिर सब आश्रम्स और रहने का सारे सुविधा वहाँ पे तिरुपति मंदिर, तिरुपति तिरुमला मंदिर के ट्रस्ट की तरफ से आपको यहाँ पे सारे सुविधा दिखते हैं। ये वहाँ के आपको मंदिर देख लीजिए, बहुत सारे वहाँ पे आपको यात्रीगण दिखेंगे। जो देखिए, यहाँ पे बालाजी महाराज का यही मंदिर है, इसी के ठीक सामने मंदिर है, ये है प्रवेश द्वार। लेकिन प्रवेश द्वार जाने के लिए पीछे से रास्ते हैं दोस्तों, और वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत इजी तरीके से आप अगर बुकिंग नहीं किए हो तो भी आप वहाँ पे जाके लाइन में लग के आप अपने दर्शन भगवान के कर सकते हो। देखिए, ये भगवान विष्णु तिरुपति महाराज का यहाँ पे है, ये गोविंदा गोविंदा यहाँ पे बोलते हुए लोग गोविंदा के नाम से भी जाना जाता है। ये यहाँ पे दीपक ज्वलन करते हैं ठीक जो मंदिर के सामने है। और देखिए, यहाँ पे सब लोग दीपक प्रज्वलित करते हैं। भगवान के अंदर मंदिर में कोई भी चढ़ाव ये नहीं दिया जाता है, अगरबत्ती या समथिंग फूल ये सब। और यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ पे भगवान के मंदिर में जाते हैं, और यहाँ पे बगल में ही एक कुंभ बना हुआ है, ये पवित्र कुंड
है दोस्तों, यहाँ पे लोग स्नान करते हैं और भगवान के दर्शन दर्शन करने के लिए जाते हैं, और यह मानता है, बताओ इतने ऊपर सरोवर पे, इतने चढ़ाई पे आपको यहाँ पे एक कुंड नज़र आएगा, एकदम स्वच्छ एंड सुंदर। यहाँ पे सारी सुविधाएं आपको दी जाती है, और ये इसमें नहाने का एक अलग ही इसका महत्व है दोस्तों। यहाँ पे भगवान बालाजी महाराज के मंदिर के जस्ट बाजू में ही आप यहाँ पे मंदिर से सकते हो, और उसके बाद में यहाँ पे देखिए नाग देवता के बहुत सारे मंदिर हैं जो सदियों और सालों वर्षों वर्षों पुराने यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे विराजमान है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हो। और देखिए ये घाट है कितने सुंदर है, यहाँ पे साफ सफाई का इतना अच्छा वहाँ पे वातावरण है, रखा जाता है, ध्यान दिया जाता है कि आपको ऐसा लगेगा कि हम कोई अच्छे सुंदर प्लेस और स्वर्ग की माफित आपको अनुभव वहाँ पे होगा। देखिए ये मंदिर जो दिख रहा है आपको, ये सरोवर के बीचों बीच बना हुआ मंदिर है दोस्तों, और यहाँ पे भी अलग अलग चीज़ों के अलग अलग मानते हैं, और हर चीज़ आपको यहाँ पे गोल्ड जैसा ही नज़र आएगा। यहाँ पे अनुभव होता है कि जैसे कि सारे चीज़ भगवान बालाजी महाराज के गोल्ड से ही बने हुए हैं, और आपको पता होगा कि वेंकटेश्वर स्वामी गोविंदा बालाजी महाराज को गोल्ड ही बहुत प्रिय है, और गोल्ड लोग यहाँ पे चढ़ावा करते हैं। देखिए यहाँ पे सरोवर देख लिए कितना सुंदर स्वच्छ बना हुआ है, लोग यहाँ पे स्नान करते हैं, अपनी मनोकामनाएं मानते हैं, और अपनी मनते पूरी पूरी करने की भगवान से प्रार्थना करते हैं, अपने दुख और तकलीफ को दूर करते हैं। ये सरोवर आपको बालाजी महाराज के मंदिर के आपके ऊपर वहाँ पे आपको नज़र आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे लोग मुंडन करते हैं, तत्पश्चात ही सरोवर में स्नान करते हैं, और उसके बाद में बालाजी महाराज के मंदिर में दर्शन करने के लिए वहाँ पर जाते हैं दोस्तों। तो देख लीजिए यहाँ पे बहुत सारे हर देश के कोने कोने से लोग आते हैं, वर्ल्ड के लोगों से आते हैं, वहाँ पे आप जाने पे आपको ऐसा अनुभव होगा कि ये कितने कंट्री के लोग भी यहाँ पे आते हैं और भगवान के दर्शन यहाँ पे पाते हैं, और भगवान के दर्शन करने के साथ साथ में इस सरोवर में भी स्नान करते हैं। अगर आप कभी भी जाइएगा तो इस सरोवर में ज़रूर स्नान करिएगा, भगवान आपकी इच्छाएँ पूरी करेंगे। और उसके बाद में दोस्तों आप देखेंगे कि आगे भगवान के बहुत सारे ऐसे वहाँ पे छोटे छोटे मंदिर हैं, आप सारे मंदिरों में जाके आप दर्शन कर सकते हैं। इसके अलग अलग मान्यता है, अलग अलग उसका ये है। तो देखिए ये वहाँ पे उनके गेट हैं, और वहाँ पे आपको खाने की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। भगवान के मंदिर पे वहाँ पे जाने पे आपको इतना अच्छा अनुभव होगा कि आप वहाँ पे अलग अलग बहुत सारे मंदिर हैं, आप वहाँ पे भी आपको जाके वहाँ पे आप दर्शन लीजिए, और इतने लोग यहाँ पे, इतने क्राउड यहाँ पे बढ़ जाती है दोस्तों कि पूछो मत, और यहाँ पे आपको एक स्वर्ग जैसा अनुभव यहाँ पे होता है दोस्तों। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में जय बालाजी, जय वैकुंठेश्वर स्वामी, गोविंदा गोविंदा जरूर लिखिएगा दोस्तों, और ये वीडियो को आप देखिए और अपनी यात्रा को प्रारंभ करिए। वहाँ पे बहुत अच्छा खाना पीना, ट्रेवलिंग्स और की बहुत अच्छी सुविधा है, मेडिकल की सुविधा है दोस्तों। आप इसका भगवान का जरूर दर्शन करिए, और वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन आपका करिए, भगवान आपकी कृपा, आपकी मनोकामनाएं, आपके संकट को सभी को पूरा कर देंगे, ऐसा मेरा प्रार्थना है भगवान वेंकटेश्वर स्वामी से। और अपनी यात्रा को पूरा करिए दोस्तों, और आप इसमें सफल हो, ऐसी मेरी मनोकामना है दोस्तों। थैंक यू, और कमेंट बॉक्स में जय गोविंदा, जय गोविंदा वेंकटेश्वर स्वामी जरूर लिखिएगा दोस्तों। धन्यवाद।